गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम राहिल है और मैं L4O का फाउंडर हूं। मेरे साथ कमल भी है, जो हम दोनों कंपनी के फाउंडर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड बिफोर वी बिगिन, आईड लाइक टू इनवाइट जयंती मैम टू से अ फ्यू वर्ड्स एंड आईड लाइक टू थैंक हर फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। इट इज आवर प्लेजर टू इंटरेक्ट विद किड्स ऑल द टाइम। दिस इज आवर पैशन, स्टूडेंट से बात करना, एंड दैट्स व्हाट रियली ड्राइव्स अस। Jayanti ma'am, would you like to say a few words? Thank you, Sumit sir, Rahil sir, for accepting our invitation for organizing this session. And I hope this session will be, you know, very useful for whole computer department community of Jaipur, in fact, because I belong to Jaipur and I forwarded this message to my students, whoever is, you know, connected with me. So I hope you know very well about what are the various technologies which can shaping your future after passing your graduation or the post graduation. I'm looking forward for very interesting session with Rahil and Kamalkant sir. And thank you Kamalkant Gupta sir and Rahil Sheikh for giving this you know, opportunity to interact with our students. And thank you for Sumit sir for to come, you know, connecting with us to organize this type of webinar for our students. Thank you. Over to you, sir. Sure, ma'am. So before we begin, हम लोग थोड़ा अपना introduction दे देते हैं. और उससे पहले एक और चीज कि सब लोग यहाँ पे हिंदी समझते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. If somebody has trouble understanding Hindi, if somebody is from a different part of the country, जहाँ पर people don't understand Hindi, then let me know. I'll try to incorporate a little bit of English as well. But yeah, we'll primarily do this session in Hindi. It is Rahil and I have Kamal here with me. हम दोनों IIT कानपुर में बैचमेट्स थे, सेम हॉस्टल में, सेम बिल्डिंग में रहते थे हम लोग, और साथ में हम लोगों ने 4 साल पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया, जब फ्लिपकार्ट छोटा सा स्टार्टअप था, और उसके बाद मैंने IIM अहमदाबाद से अपना MBA किया, और फिर मैंने डिसाइड किया कि अच्छा, मुझे अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए, और पिछले 6-7 साल से मैं एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ। कमल, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज़ वेल? हेलो गाइस, आई एम कमलकांत गुप्ता, एंड जैसा राहिल ने बताया, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़े हुए हैं IIT कानपुर में। उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योरशिप में घुस गया। आई वर्क इन रियल स्टेट सोलर एनर्जी सेक्टर, एक US बेस्ड स्टार्टअप के लिए आई वर्क एज इंडिया बिजनेस हेड। ये सब जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, कैसे टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है पूरा एनवायरमेंट को। आज जितने भी बड़े स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनीज बन रही है, कोई भी कंपनी बिना टेक्नोलॉजी के नहीं बन रही है उस स्केल पे। सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ्स को शेप करने में। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट राहिल, मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर करता हूँ ताकि राहिल स्टार्ट कर पाए सेशन, एंड देन वी'ल डिस्कस ए लॉट अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज जो नेक्स्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स में डिस्टर्ब करेंगे मार्केट को। सो राहिल, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना? Absolutely, come on, you can go ahead. तो जैसा कि हम लोग बता रहे थे कि अभी दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। मैंने पिछले 5-6 साल में काफी सेक्टर्स में काम किया एजुकेशन के अंदर ही। मैंने स्कूल सेक्टर में भी काम किया, कॉलेज सेक्टर में भी काम किया, प्री स्कूल सेक्टर में भी काम किया, और प्राइमरीली क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर चित्तौड़गढ़ से हूँ, तो मेरा मिशन यही है कि जो अपॉर्चुनिटीज बड़े शहर में अवेलेबल है वो सबको अवेलेबल होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम। तो जस्ट बिकॉज की कोई हिंदी में बात करता है, या जस्ट बिकॉज किसी को इंग्लिश नहीं आती, या फिर कोई बहुत अच्छे स्कूल नहीं गया, बहुत फैंसी स्कूल नहीं गया, उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इसी विजन के साथ कमल, मैंने और हमारा एक और बैचमेट है देवव्रत ने, हम तीनों ने मिलकर हमारी कंपनी L4O.in स्टार्ट की। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजीज फ्यूचर को शेप कर रही है और कौन सी टेक्नोलॉजीज फ्यूचर को शेप कर रही है। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले ये कौन है, कौन पहचानता है इनको? You can unmute yourself and answer the question, or you could write in chat. कौन पहचानता है इनको? भी काफी famous हुए थे ये अभी से 2 महीने पहले। Okay, Pradeep ने हाथ उठाया। Pradeep, you can answer the question. अच्छा, Surbhi says he is the CEO of Twitter Gaming Squad, जो भी आपका नाम है, Twitter CEO Piyush. So that's half correct. क्या नाम? पराग अग्रवाल है, IIT बॉम्बे से हैं ये, और Twitter के CEO बने recently. Very good, Tanisha and Pradeep. तो इन्होंने IIT से पढ़ाई की और पहले CTO बने Twitter के, और फिर बाद CEO बन गए। कुछ और लोगों का मैं आपसे एक क्विज लेना चाहता हूँ कि क्या आप इन लोगों को पहचानते हैं? पराग को तो आपने पहचान लिया। तो सबसे पहले ये जो लेफ्ट में सबसे हैं, इनको कौन पहचानता है? सर, विजय शेखर शर्मा।
विजय शेखर शर्मा, हर्ष ने बोला. ओके हर्ष, कौन है विजय शेखर शर्मा? सर पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ. वेरी गुड. ओके बीच में है वो कौन है? कौन बताएगा? कुणाल शाह, क्रेड के फाउंडर और सीईओ. वेरी गुड हर्ष. और लास्ट वाला किसी और को आंसर करना. अच्छा राइट में कौन है? रितेश अग्रवाल, ओयो फाउंडर. वेरी गुड. तो अब इन सब के फोटोज में तुम्हें क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि देखो यार, ट्विटर के सीईओ इंडियन है, आईआईटी से उन्होंने पढ़ाई की और इतना आगे पहुंच गए. लेकिन इनमें से तीनों में से किसी ने आईआईटी से पढ़ाई नहीं की है. पर विजय शेखर शर्मा का नेटवर्थ आज 18,000 करोड़ है, कुणाल शाह का कितना ये पता नहीं, लेकिन 2800 करोड़ में उन्होंने अपनी कंपनी स्नैपडील को बेची थी, फ्री चार्ज उनकी जो कंपनी. रितेश अग्रवाल का नेटवर्थ 7,000 करोड़ से ऊपर है और वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनियर्स में से वो एक है. इन सब में कॉमन चीज क्या है? वो ये है, ये तीनों टेक सेक्टर में काम कर रहे थे. और आज अगर किसी को मिडिल क्लास से ऊपर निकलना है तो टेक्नोलॉजी उनके लिए एक बहुत बड़ा मींस है. अब ऐसा मैं कह तो रहा हूं लेकिन इसका थोड़ा एविडेंस भी प्रोवाइड करना जरूरी है, तो हम लोग थोड़ा एविडेंस देखते हैं इसके लिए. तो ये एक रिपोर्ट है मैकिंजी की. मैकिंजी एक बहुत फेमस कंसल्टिंग कंपनी है और उनकी ये रिपोर्ट है कि कितने कस्टमर इंटरेक्शंस डिजिटल हो गए. मतलब कि आप जब दुकानदार से जाके सामान लेकर आते हो तो दैट्स अ कस्टमर इंटरेक्शन, या फिर आप कभी कस्टमर केयर को फोन करते हो, दैट्स अ कस्टमर इंटरेक्शन. ये सब कस्टमर इंटरेक्शन होते हैं. तो दुनिया में आजकल जितने इंटरेक्शन हो रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा इंटरेक्शन डिजिटल हो गए, या तो फोन पे हो रहे हैं, या फिर ईमेल पे हो रहे हैं, या फिर चैट बॉट के थ्रू किसी सर्विस के थ्रू हो रहे हैं, या आप उनकी वेबसाइट पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट्स आल्सो कस्टमर इंटरेक्शन. सो आउट ऑफ ऑल द इंटरेक्शंस, जितने भी इंटरेक्शंस दुनिया में होते हैं उसके 58% आज तक डिजिटल है. और उसमें से 53% एशिया पैसिफिक यानी इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी आधे से ज्यादा कस्टमर इंटरेक्शन डिजिटली है. एक और स्लाइड हम लोग देखेंगे जो ये बताता है कि कितने प्रोडक्ट्स डिजिटल हो चुके हैं. तो ये दिखाता है कि कितने प्रोडक्ट्स ऑलरेडी या तो फुली या पार्शियली डिजिटलाइज हो चुके हैं. और ऑलरेडी इंडिया में दैट नंबर इज 54%, जो कि छोटा नंबर नहीं होता है. ऑलरेडी आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स डिजिटल हो चुके हैं. एक छोटा सा पोल है जो सब लोगों को आंसर करना है कि आप में से कितने लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट खरीदे हैं. आपके स्क्रीन पे आपको पोल्स नजर आ रहे होंगे. हैव यू एवर बॉट अ डिजिटल प्रोडक्ट? कैन यू प्लीज आंसर द पोल्स? अच्छा कुछ लोगों को पोल नहीं दिख रहा है. तो आपके में एक ट्रायंगल, एक सर्कल और एक स्क्वायर बना हुआ दिख रहा होगा. इफ यू क्लिक ऑन दैट तो वहां पे पोल नजर आना चाहिए. अच्छा आई कैन सी, सम पीपल कैन सी द पोल्स, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास काफी सारे वोट्स आ गए हैं और रिजल्ट भी दिख रहा होगा. तो ऐसा अभी तक यहाँ पर कोई भी एक भी इंसान नहीं जिसने कोई डिजिटल प्रोडक्ट नहीं खरीदा है. मैं पोल देख रहा हूँ तो सब लोगों का पोल यही है कि एवरीबडी हैज बॉट सम काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट. अगर आप फोन की सर्विस भी यूज करते हैं या इंटरनेट भी यूज करते हैं तो दैट्स ऑल्सो डिजिटल प्रोडक्ट. ओके भूमिका, यू आर स्ट्रगलिंग विद answering the poll. कोई बात नहीं, इट्स ओके, जरूरी नहीं आंसर करना. यहाँ पर जितने भी वोट्स हैं सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सबने कुछ ना कुछ डिजिटल प्रोडक्ट यूज किया है. और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया भर में 18,000 कंपनीज में जाके इन लोगों ने सर्वे किया, कंपनीज के सीईओ से बात की, सीनियर लीडरशिप से बात की और उनसे ये पूछा कि आपकी कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, एग्जीक्यूटिव का माइंडसेट क्या है टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को लेकर. तो 19% लोगों ने बोला कि हमारी कंपनी का तो पूरा बिजनेस ही हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अराउंड फोकस कर रहे हैं. 38% लोगों ने बोला कि हम लोग टेक्नोलॉजी में और इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सके. तो मतलब आप देखिए 57% पीपल से कि उनको अपने बिजनेस को बहुत चेंज करना पड़ रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू. और वो कैसे करेंगे? थ्रू द हेल्प ऑफ डेवलपर्स, थ्रू द हेल्प ऑफ पीपल जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी जैसे कि वेब डेवलपर्स हो गए, ऐप डेवलपर्स हो गए, इन सब की हेल्प के थ्रू वो अपने बिजनेसेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. यस, जैसा अभी राहिल ने बताया कि टेक्नोलॉजी जो है वो हर एक सेक्टर को डिसरप्ट कर रहा है आज के टाइम पे. इवन पॉलिटिकल डोमेन, एग्रीकल्चर, एनीथिंग, हर किसी को टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रहा है. अब कौन कौन से ऐसे टेक्नोलॉजीज है जिनकी हेल्प से ये पूरा मार्केट चेंज हो रहा है? कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है? जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम किस किस ने सुना है? ये बहुत बड़ा बज वर्ड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, काफी काफी बच्चों ने सुना हुआ है. ठीक है, एआई की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो कि बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एआई का. अगर हम लोगों ने सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना लिए, विच मीन्स कि कार अपने आप ड्राइव कर रही है. ठीक है, अब एआई के एप्लीकेशंस जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा है. जैसे कि जितने कस्टमर इंट्रैक्शंस आप करते हैं स्विगी जोमैटो पे आप करते होंगे या किसी भी वेबसाइट पे आप करते होंगे, वहाँ पे एक चैटबॉट लगा होता है जो आपसे डायरेक्टली बात कर रहा होता है. इसके पीछे बता सकते हो चैटबॉट के पीछे कौन सी टेक यूज़ होती है? किसी को आइडिया है? सर यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है उसमें भी. क्या पार्ट होता है? एनएलपी बोलते हैं उसको,
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सुना है? यस सर। ओके ओके, सो बेसिकली चैटबॉट्स हो गए, फ्रॉड डिटेक्शन, हाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जब हम लोग कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले क्या होते थे, इस तरह के फ्रॉड्स बहुत हो जाते थे, लेकिन थ्रू AI अभी हम पहले से ही डिटेक्ट कर पाते हैं कि यस ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन है या नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, वो गूगल के अंदर उसका काम ही पूरा फ्रॉड डिटेक्शन पे, विच इज़ अ रियली रियली बिग डील। स्पैम डिटेक्शन हो गया, जो आपके ऑटोमेटिकली स्पैम में चले जाते हैं, जो मेल्स होते हैं ना, बल्क मेल्स लोग करते हैं, AI का बहुत यूज हो रहा है हेल्थ सेक्टर के अंदर। वो कह रहे हैं ना कि डायबिटीज का पता लग जाएगा हम लोग, क्या कहते हैं, एक सिंगल ब्लड सैंपल के थ्रू वी कैन फाइंड आउट मे बी 100-200 टाइप्स ऑफ डिजीजेस की पर्सन को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो बेसिकली द पॉइंट इज AI जो है नेक्स्ट 20 ईयर्स में बहुत मासिव वैल्यू जनरेट करने वाला है वर्ल्ड वाइड, मे बी अराउंड $4-5 trillion, विच इंडिया का इकोनॉमी $3 trillion है। जस्ट इमेजिन $5 trillion किसको कहते हैं। तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में इतनी वैल्यू AI जनरेट करेगा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नेक्स्ट लेवल जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं इस सेक्टर के अंदर। ऑलरेडी देर आर जॉब्स, पर केवल ऐसे लोगों के लिए जिनका नॉलेज बेस बहुत बहुत एडवांस है अभी के टाइम के अकॉर्डिंग। मैं बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा AI के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ डिटेल्स आ सकते हैं, सो इसलिए मैं बहुत बेसिक चीज पे ही बात कर रहा हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, आज के टाइम पे जितना भी डेटा स्टोरेज हो रहा है, कोई भी वेबसाइट आप देखते हो या डेटा का बैकअप हम लेते हैं, इवन तो हम हमारी जो फोटोज स्टोर करते हैं वो सब हम लोग कहाँ करते हैं, क्लाउड पे करते हैं। क्यों? क्योंकि फोन का स्पेस लिमिटेड है, फोन का प्रोसेसिंग पावर लिमिटेड है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो फील्ड है उसके आने से आप बिलीव नहीं करोगे, लास्ट 5 ईयर्स के अंदर जो वेल्थ जनरेट किया है क्लाउड कंप्यूटिंग ने, दैट इज $263 billion, विच इज मासिव एक्चुअली, 10% ऑफ इंडियाज GDP। वर्ल्ड वाइड क्लाउड कंप्यूटिंग ने इतना जनरेट किया है और इसका CAGR ऑलमोस्ट 18% है। तो अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, फायदे क्या क्या है, ज्यादा सिक्योर है। अगर एक जगह पे 5 या 7 लोग मिलकर किसी चीज को बना रहे हैं और एक एक जगह पर डेडिकेटेड एक टीम है 500-600 लोगों की जो केवल सिक्योरिटी पे काम कर रही है, आपने अगर कोई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे लिया है तो आप बहुत इजीली सिक्योर सिस्टम्स प्रोवाइड कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, कॉस्ट सेविंग बहुत होती है, आपको फिजिकल एसेट्स बाई नहीं करने पड़ते। तो इस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जो आने वाले टाइम को भी और डिस्टर्ब करेगा। अभी तो बहुत बेसिक ही इम्पैक्ट आया है, बहुत बेसिक इम्पैक्ट है, $250 billion जो मैं बात कर रहा हूँ, आगे और भी वेल्थ जनरेट करने वाला है। सो बेसिकली कुड बी ए गुड फील्ड फॉर यू गाइस जिसमें आप लोग जा सकते हैं। ब्लॉकचेन, ये अभी के टाइम पे आप लोग सुन रहे होंगे, वेब 3 बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। किस किसने सुना है वेब 3 के बारे में? क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, आई होप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना होगा, बिटकॉइन, इथेरियम। यस सर, यस सर, ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने सुना हुआ है। यस सर, तो यस सर, क्रिप्टो करेंसीज की हम बात क्यों करते हैं, क्या डिफरेंस है क्रिप्टो करेंसीज में और जो अभी जो करेंसी हमारा चलता है? तो बेसिकली अभी तक जितने सिस्टम्स थे वो सब सेंट्रलाइज सिस्टम्स थे, किसी एक सिंगल प्लेस से सारी चीज ऑपरेट हो रही है। जैसे इंडिया में अगर मनी की बात करें, दैट इज थ्रू RBI और इंडियन गवर्नमेंट, अगर आप और बड़े मैक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो। पर अगर इसको मैं डिसेंट्रलाइज कर दूं, मैं ये कर दूं कि यहाँ हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं हम सब मिलके इस मनी की वैल्यू डिसाइड करेंगे, रादर देन एक सिंगल कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, वैल्यू जो है वो लोगों के हाथ में है, कोई गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकता जैसे चाइना करता रहता है, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप बना सकते हो, इम्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो ब्लॉकचेन को यूज करके। जैसे मान लो मुझे लगता है यहाँ पे 150 लोग है, 150 में से 40-50 लोगों के घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ होगा, तो जस्ट इमेजिन कि आपने क्या किया, आपका जो भी प्रॉपर्टी या लैंड ओनरशिप था वो आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। अब आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्यूटेबल है अनटिल अनलेस इट मेट सर्टेन कंडीशन, मान लो वो कंडीशन क्या है। सो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, आपने क्या किया, वो प्रॉपर्टी का जो भी था ओनरशिप था वो एक पर्सन को आपने एसोसिएट कर दिया। अब क्या है कि मान लो उसमें आपने कंडीशन लगाई, व्हेन समबडी विल बाय दैट प्रॉपर्टी और लैंड, एक कंडीशन बनाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कि वो दूसरे पर्सन को चला जाएगा। पर जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट
वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसके बेनिफिटेड ट्रांसपेरेंसी में सब लोग होल्ड कर पाएंगे अपना अपना डेटाबेस जो है. ऐसा नहीं होगा कि केवल जेडीए के पास रखा हुआ है. इस तरह की चीजों को हम अवॉइड कर पाएंगे अगर हम ब्लॉकचेन के ऊपर जा रहे हैं. सो काफी कुछ चेंज करने वाला है वेब थ्री. लास्ट टू ईयर्स में वी हैव सीन लाइक ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर्स के स्टार्टअप्स खड़े हो गए हैं क्रिप्टो करेंसीज में. आई थिंक बिटकॉइन का टोटल वैल्यू क्या है, किसी को पता है बिटकॉइन का टोटल वैल्यू? Well, I have some number in mind, but I'll let the students answer. I think 43,000 dollars. No, that is per Bitcoin value. The total market value is, I think, more than 100 billion actually. So 1.3 trillion something. And so same. 1.3 trillion is for all cryptocurrencies combined. Sirf Bitcoin ka nahi hai. Ayush ne bola 665 billion dollars. It sounds good to me. Mere khayal se that sounds like a more realistic number. So 1.3 trillion dollars. Can you imagine that? Within how many years? 10 years. Aur India ka GDP 1947 se bhi count karo, to bhi kitna time ho gaya hai. So, ये जो टेक्नोलॉजीज है ये वेल्थ जनरेट कर रही है लोगों के लिए. और वो वेल्थ का सिंपल सा सिग्निफिकेंस क्या है, विच मीन्स कि इस जगह पे करियर बनाना और करियर ग्रो करना बहुत, मतलब बहुत इजी है. क्यों? क्योंकि जॉब्स अनलिमिटेड अवेलेबल है. 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स में कितने लोगों को जॉब मिल सकता है, जस्ट इमेजिन दैट. वी आर ए आर, मेटा 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 का नाम बहुत सुन लिया होगा लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर. मार्क जुकरबर्ग ने बहुत एडवर्टाइज किया है उसको. NFTs के बारे में सुना होगा, NFTs हो गए. अब VR AR की जब हम बात करते हैं, ये आयरन मैन मूवी में सबने देखा होगा कि भाई AR और VR मिक्स रियलिटी कितना कुछ यूजफुल हो सकता है हम लोगों के लिए. जैसे कि आपको प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी है, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट ही डिजाइन करना है, जस्ट इमेजिन अगर आप वो VR के थ्रू कर पाए, जस्ट इमेजिन दैट. या फिर एजुकेशन की बात करें, अभी जैसे हम लोग इस कॉल को कर रहे हैं, लेस इंटरेक्टिव. जस्ट इमेजिन कि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में सब लोग बैठे हुए हैं और वहां पे इंटरेक्ट कर रहे हैं जैसे हम फिजिकली एक जगह ही बैठे हुए हैं. ये जो टेक्नोलॉजी है इसको टाइम काफी लगा है, एटलीस्ट 12-13 ईयर्स हो चुके हैं जब से VR AR की बात चल रही है, प्रोग्राम्स बनना स्टार्ट हुए हैं, पर अभी तक मैच्योर स्टेज पे नहीं पहुंचा है. इट माइट टेक 4-6 ईयर्स मोर, बट अगेन इट विल जनरेट ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड आई थिंक अभी अभी का कुछ डेटा है, कुछ 2-5 मिलियन जॉब्स है वर्ल्ड वाइड जो वी आर ए आर में क्रिएट हो रही है. सो आई थिंक इस पे मुझे बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि वी आर ए आर कैसे डिसरप्ट करने वाला है. गेमिंग इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी बहुत यूज हो रहा है. एक्चुअली सबसे पहला यूज ही वी आर ए आर का गेमिंग में हुआ, IoT. जस्ट इमेजिन गाइज, सुबह आपका अलार्म बजा, अलार्म बजने के बाद अपने आप आपके स्मार्ट कॉफी मेकर ने आपके लिए कॉफी बना दिया, आपके पास कॉफी आया, जब आप शावर लेने गए आपका स्मार्ट शावर है, शावर जैसे ही आपने ऑफ किया बाथरूम से निकले, विद इन 15 मिनट्स आपका ब्रेकफास्ट भी बन गया, आपकी कार बाहर, सेल्फ ड्राइविंग कार बाहर आके खड़ी हो गई और आप ऑफिस चले गए. ऑफिस वर्क स्पेस भी आपका स्मार्ट है जो आपके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड है. दिस इज व्हाट IoT इज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. हर चीज इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, तो सब कुछ ताकि स्मार्ट बन जाए. इसके बाद लास्ट की बात करते हैं, लास्ट टेक्नोलॉजी जो है दैट इज वेब एंड ऐप डेवलपमेंट. ऐसा कोई पोर्सन यहाँ पे नहीं होगा जिसने कोई ना कोई वेबसाइट यूज नहीं की हो. और डेली एक्चुअली डेली हम कोई ना कोई वेबसाइट यूज करते हैं. गूगल मीट यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेबसाइट जहां से हम बात कर रहे हैं, और ऐप पे आप लोग बात कर रहे होंगे. देर आर मोर देन 1 बिलियन वेब पेजेस, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट्स हैं अभी रिसेंटली. हर एक बिजनेस ऑनलाइन आना चाह रहा है, आपके बगल के दुकान वाला भी ऑनलाइन आना चाह रहा है. इसका सिंपल सा मतलब क्या है यार, कि सब डिजिटाइज हो रहा है, पेमेंट्स डिजिटाइज हो रहे हैं. इसका मतलब ये है कि अगर इकोनॉमी किसी तरफ पुश हो रही है, दैट इज टू टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू आप सब कुछ चेंज कर सकते हो. टेक्नोलॉजी के कारण ये स्केलेबल बिजनेस बने हैं. पेटीएम जैसा राहिल ने एग्जांपल लिया, पेटीएम हो गया, ओयो हो गया, ये सब इसीलिए ही बने हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड थे. सो जो भी आपको लाइफ में आगे करना है, एंड हमारा जो फ्यूचर है वो टेक्नोलॉजी ही शेप करने वाली है, कोई और चीज नहीं है. Now I would like to ask Rahil, आगे का जो भी चीज़ है वो आपको बताए. तो जैसे कमल ने बताया कि एक सर्टेन डायरेक्शन में दुनिया मूव कर रही है और वो है टेक्नोलॉजी की तरफ. मैंने स्टार्ट में कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे, पर उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स आप लोग देख रहे होंगे यार. जैसे कि अगर अपन लोग बात करें, पहले अकाउंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब हुआ करता था. मैंने अपनी लाइफ में 11 स्कूल सेटअप किए हैं, स्टार्ट किए हैं, लॉन्च किए हैं, और किसी भी स्कूल में हमने कभी कोई अकाउंटेंट हायर नहीं किया, क्योंकि एक बहुत छोटा काम हो गया आजकल विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, विद द हेल्प ऑफ टैली. कोई भी अकाउंटेंट का काम बहुत इजीली कर सकता है. पहले जो काम एक फुल डे किसी को करना पड़ता था, वो आजकल एक CA विद इन 1 वीक पूरे साल भर की अकाउंटिंग कर लेता है.
या फिर महीने की पूरी अकाउंटिंग एक दिन में कर लेता है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का परवेजन इतना ज्यादा हो गया कि एक्सेल और टैली के थ्रू हम लोग बहुत सारा काम कर पाते हैं, इसलिए फ्यूचर में जो जॉब है वो ऐसे होंगे जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करके लार्ज स्केल पे वैल्यू ड्राइव कर सके, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स एक बहुत बड़ा काम है। किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था डेटा एनालिटिक्स के बारे में हमारे इस सेशन में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आईटी मोबाइल वेब डिजाइन एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बात भी करेंगे। फिर प्रोडक्ट सर्विस डिजाइन, सेल्स एंड मार्केटिंग, सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा सेक्टर निकल के आ रहा है जहां पे बहुत सारे जॉब्स निकल रहे हैं। तो ये जो चार कैटेगरीज हैं जिसमें आप कह सकते हैं डिजाइन, आईटी, मोबाइल एप्स। अभी बीच में न्यूज आई थी कि ये शार्क टैंक करके एक शो चल रहा है, किसी ने नाम सुना है उसका? यस सर। तो शार्क टैंक में एक जज बड़ा फेमस है उनका, अश्नीर करके, अश्नीर सर। और मेरे कॉलेज में आई एम सीनियर है, मुझसे 10 साल सीनियर है वो। तो उनकी जो कंपनी है भारत पे, जब वो लोग डेवलपर्स हायर कर रहे थे उनको डेवलपर्स मिल ही नहीं रहे थे, तो डेवलपर्स हायर करने के लिए वो बोल रहे थे कि जब तुम्हें हम तुम्हें जॉब दे देंगे तुम्हें बदले में सुपर बाइक देंगे या फिर दुबई की वेकेशन गिफ्ट करेंगे, क्योंकि डेवलपर्स मिल ही नहीं रहे। अब कभी इमेजिन करो, हम लोग जॉब के लिए जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, पर कंपनी हमें बोले कि प्लीज आ जाओ जॉब ले लो, हम तुम्हें बदले में सुपर बाइक देंगे, तुम्हें दुबई की वेकेशन देंगे, तुम्हें ऑफर करेंगे। तो कितनी डिमांड है आजकल डेवलपर्स की, इससे एकदम पता चलता है। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डिजिटल होती जा रही है, डिमांड डेवलपर्स की बहुत ज्यादा है। तो सिमिलरली अगर हम सिर्फ टेक की बात करें तो ऐसा नहीं कि टेक एक जेनेरिक चीज है, टेक में बहुत सारी चीजें आती है। तो कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज बहुत हॉट है अभी, जैसे कि जब कॉलेज में आप लोगों ने शायद कोडिंग सीखी होगी तो आप सी या सी प्लस प्लस में सीखी हो, और वही हम लोगों ने भी सीखी थी जब हम लोग कॉलेज में थे। तो कमल और मैंने भी फर्स्ट ईयर में सी में ही हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का हमारा कोर्स किया था। लेकिन जो आज के टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आप वो सीखे तो आप डायरेक्टली जॉब में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सी और सी प्लस प्लस आता तो आपको जॉब नहीं मिल सकता, लेकिन आपका एक थोड़ा ट्रेनिंग पीरियड होगा जब आपको कंपनी सिखाएगी कि जो टेक्नोलॉजीज पे वो लोग काम कर रहे हैं वो आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर इन टेक्नोलॉजी की बात करें कि जो आजकल यूज होती है, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है, यानी कि HTML, CSS, बेसिक ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये सब टेक्नोलॉजीज अगर आपको आती तो देर आर 2 लाख जॉब्स अवेलेबल इन इंडिया टुडे। आज 2 लाख जॉब्स अवेलेबल हैं। वैसे ही एक और फ्रेमवर्क होता है React JS, जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक बिल्ट फ्रेमवर्क है जो कि आजकल मार्केट में बहुत हॉट चल रहा है। कंपनीज को React डेवलपर्स की बहुत डिमांड है, बहुत ही ज्यादा डिमांड है, और उसमें 1 लाख से ऊपर जॉब्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली बैकएंड डेवलपमेंट, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट तीसरा वाला, वो बैकएंड डेवलपमेंट है। तो बैकएंड डेवलपमेंट यानी कि जो सर्वर साइड है। अब ये होता क्या है, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये होता क्या है। हम लोग कोई भी वेबसाइट या कोई भी ऐप यूज करते हैं, तो जिस चीज से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप ऐप है उस पर आप इंटरेक्ट करते हैं, तो जो सामने सामने नजर आता है दैट इज फ्रंट एंड। वो अगर एंड्रॉइड ऐप है तो एंड्रॉइड डेवलपर ने बनाया होगा। अगर आप किसी की चीज की वेबसाइट यूज कर रहे हैं, अगर लेट्स से आपने गूगल मीट वेबसाइट से ज्वाइन किया है तो आप फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं। अगर आप अपना फोन की ऐप से यूज कर रहे हैं तो किसी ऐप डेवलपर ने उसको बनाया। लेकिन उसका जो बैकएंड है, यानी कि वो कैसे उसको पता चलेगा कि किसको किसकी मीटिंग घुसाना है, हम लोग की आपस की मीटिंग में हम लोग जिसको अलाउ करें वही आए, कोई और तीसरा आदमी ना आए, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो आपके फ्रेंड को ही जाए, आपके पापा को ना चला जाए, ये सब जो इंश्योर करने वाला सिस्टम होता है उसको बोलते हैं बैकएंड, जिसको सर्वर साइड भी बोलते हैं, जो ये सब इंश्योर करता है कि सही लॉजिक है, सही इंसान से सही चीज का कनेक्शन हो रहा है, सही तरह से डेटा स्टोर हो रहा है और सही कंप्यूटेशन हो रहा है, इसको बैकएंड बोलते हैं। तो इसमें भी 2 लाख से ऊपर जॉब्स आज अवेलेबल हैं, तो इसलिए इन सब में बहुत ज्यादा डिमांड है। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप पोल्स में इसका आंसर कर सकते हैं, वो ये है कि आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन कुछ सीखा है। एक पोल अभी आपके स्क्रीन पे लाइव होगा, आई वुड लाइक यू टू पार्टिसिपेट इन दैट पोल। तो ऑलमोस्ट सबने कुछ ना कुछ ऑनलाइन सीखा ही है, मैं देख रहा हूँ तो इसमें किसी का भी आंसर नो नहीं आया। मतलब हम लोग तो फिर भी अडल्ट्स हैं, हम लोग तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन जैसे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो भी स्कूल जाते हैं तो उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन होती हैं। तो आजकल ऑनलाइन सीखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया कि यू आर नॉट लिमिटेड कि आपके आसपास कौन सा टीचर अवेलेबल है। आपको कोई रिएक्ट जेएस की कोचिंग तो नहीं पढ़ाएगा, आपको कोई रिएक्ट जेएस का ट्यूशन तो नहीं पढ़ाएगा। तो इसलिए आजकल ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज के थ्रू बहुत ईजी हो गया ये सब टेक्नोलॉजीज सीख पाना, जहां पर आप बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स के साथ, बेस्ट टीचर्स के साथ काम कर सकते हैं।
और यही रीजन है कि कमल और मैंने L4O स्टार्ट किया. बट बिफोर दैट कमल, इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? एक बार आई वुड रियली लाइक कि आप में से अगर कोई कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है. हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन किया है अभी, बहुत सारी चीजों पे किया है, वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी पे किया है, हम लोगों ने AI की बात की, डेटा एनालिटिक्स की बात की है. तो एनीथिंग यू गाइज वॉन्ट टू आस्क related to career as well, kuch career se related bhi aapko baat karni hai. What is the procedure for data science? So if you have any questions, feel free to unmute yourself and ask. Someone was asking actually. Yeah, so Surbhi is asking for data science. Kamal, do you want to take this one? Yes. Sir, she is asking Surbhi. For Kamal. Data science. Sure. So data science mein aisa hota hai ki aajkal bahut sara data aane laga hai. Pehle aisa hota tha ki data was limited, now there's a lot of data and hence it's not possible to do it with conventional methods. उससे तुम एनालिटिक्स नहीं कर सकते हो. नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा एंड हेंस यू नीड डेटा साइंटिस्ट्स जो कि बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करके कुछ उससे वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल के लाए. अगर डेटा साइंस में काम करना है तो फिर उसको अप्रोच करने के मल्टीपल तरीके हैं. कुछ डिग्रीज होती है डेटा साइंस में, बट आई थिंक अ बेटर वे टू गो अबाउट इट इज कि आप देखो कि डेटा साइंस के क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं. ऑनलाइन काफी सारे कोर्सेज इसके लिए अवेलेबल हैं. हम लोग के पास अभी फिलहाल डेटा साइंस के कोई कोर्स नहीं है, बट देर आर मल्टीपल वेबसाइट्स जहां पे डेटा साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं. मेरे एक दोस्त के बारे में जानता हूँ जो डेटा साइंस सिखाता है, एक वेबसाइट है बोर्ड इन्फिनिटी पे, ही टीचेस डेटा साइंस. बट हाँ, देर आर मल्टीपल एवेन्यूज थ्रू विच यू कैन अप्रोच डेटा साइंस. वन गुड वे कि अगर आपको डेटा साइंस में करियर बनाना है तो आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो डेटा साइंस में काम कर रहा है. हम लोग थोड़ा बता सकते हैं डेटा साइंस के बारे में, बट बेटर वे इज यू फाइंड समबडी जो डेटा साइंस में काम कर रहा है और वो आपको बताएगा कि क्या पाथ सही होगा और एक्चुअली अभी क्या डिमांड है. सो बेसिकली अगर डेटा साइंस फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना पड़ेगा डेटा एनालिटिक्स से. ठीक है, या तो आप डेटा एनालिटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं या डेटा इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, देर आर मल्टीपल फील्ड्स, या फिर आप स्टैटिस्टिशियन की तरह स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज डेटा साइंस में बहुत सारे फील्ड्स आते हैं. डेटा साइंस एक बहुत ब्रॉडर पार्ट है. आप स्टार्ट केवल बेसिक चीज़ों से कर सकते हैं, आइदर डेटा एनालिटिक्स जो प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है उसमें काम कर सकते हैं आप, या फिर डेटा इंजीनियरिंग समझते हैं आप कि जो भी डेटा आ रहा है, बल्क में डेटा आ रहा है, उसको आप किस तरीके से इस फॉर्म में ला सकते हैं कि उसको आगे की प्रोसेस करने के लिए यूज किया जा सके. जैसे कि काफी सारा डेटा मिस होता है बीच में, राइट? तो डेटा साइंस फील्ड में जाने से पहले आई वुड सजेस्ट गो विद डेटा एनालिटिक्स. मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उन्होंने यही पाथ चूज किया है, और आइदर गो फॉर MS और MTech इन डेटा साइंस अगर डायरेक्टली जाना चाहते हैं. सो देयर इज वन क्वेश्चन अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ L4O. तो थोड़ा सा हम लोग L4O के बारे में बता देते हैं. एसेंशियली कमल और मैंने हमारे एक फ्रेंड देवव्रत के साथ मिलकर कंपनी स्टार्ट की 2020 में, और उसका रीजन ये है कि कमल ने एक दिन मुझे फोन किया. मैं एजुकेशन सेक्टर में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो कमल ने मुझे फोन किया कि यार मेरा एक जूनियर है और उसको ग्रेजुएशन किए हुए 3-4 साल हो गए और वो पहले सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, अब वो जॉब चाहता है, क्या करेगा. तो मैंने बोला यार काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खुद एक छोटे शहर से हूँ, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, कमल खैरतल से अलवर में. तो मेरे भी कई दोस्त ऐसे अवेलेबल, मेरे भी कई दोस्त थे 26, 27, 28 साल की एज में भी जो मेरे पास आते थे और बोलते थे कि यार कुछ हेल्प कर दे जॉब में, कि कैसे यार मैं क्या करूं. तो मैं जब उनको बोलता था कुछ ऑनलाइन सीखो, तो एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कि यार ये तो पूरा कोर्स इंग्लिश में है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा. तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर बच्चे हिंदी में सीख सके और उसका डायरेक्ट कोरिलेशन हो एक जॉब के साथ. तो हमने वही कोर्सेज बनाए जिनमें जॉब्स की बहुत डिमांड है, पर हमने सोचा दैट इज नॉट इनफ. हमने बोला कि यार हम लोग जॉब गारंटी देते हैं, क्योंकि इतनी डिमांड है जॉब्स की कि कंपनीज हमारे पास आती हैं कि यार प्लीज हमें बच्चे दे दो. अभी हम कंपनीज को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, इतने हमारे पास कंपनीज आ रही हैं. तो इसलिए हम लोगों ने एक कंपनी जहां पर बच्चे आते हैं, सीखते हैं और उनका जॉब गारंटीड रहता है. और हम लोग इतने श्योर हैं इस चीज को लेकर कि हम लोग का एक ऑप्शन ये भी है कि जब जॉब लगेगा उसके बाद ही बच्चे पेमेंट कर सकते हैं. कमल, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग अबाउट द कंपनी? सो राहिल ने वैसे काफी चीजें कवर कर ली हैं. सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दो वी आर ग्रोइंग रियली फास्ट, हमारी कंट्री जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी कंट्री में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पार्ट को जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड कि जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जस्ट इमेजिन कि उनको हम जॉब दे देते हैं, एक बार इमेजिन करो, हम लोगों का कंट्री जो है ना एटलीस्ट 3x पे पहुंच जाएगा अभी जहां पर है. ऑलमोस्ट हर किसी का पर मतलब जो इनकम है, मान लो किसी का 2 लाख इनकम है, वो 4-5 लाख रुपए पहुंच जाएगा, इतना डिफरेंस आ जाएगा. और ऐसा नहीं है जॉब्स अवेलेबल नहीं है, जॉब्स इतनी अवेलेबल है मार्केट में. प्रॉब्लम ये है कि उन जॉब्स को करने के लिए बच्चों के पास राइट स्किल सेट्स नहीं है. उस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है कि वो बच्चा जाकर एक कंपनी में वैल्यू ऐड कर सके. आपको सीधी सी बात है यार, कंपनी वाला पिकअप करेगा,
जब आप उसको कुछ वैल्यू ऐड करके दोगे, उसको आप 10,000 रुपए कमा के दोगे, तब वो आपको 2,000 रुपए देगा। इट्स वेरी सिंपल, अदरवाइज वो कंपनी कैसे सस्टेन करेगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट स्किल सेट्स को, ये पूरा प्रेजेंटेशन का पर्पस भी यही था कि देर आर मैनी टेक्नोलॉजीज जिसमें बहुत जॉब्स अवेलेबल है। नाउ इट्स अप टू यू, बाहर निकलो, देखो कहाँ कहाँ पे इस तरह की चीजें अवेलेबल है जहां से आप सीख सकते हो, एंड प्रिफरेबली विद जॉब गारंटी सिस्टम। क्यों? क्योंकि होता ऐसा है कि जॉब गारंटी वाला पार्ट नहीं आ रहा है तो कंपनी पे प्रेशर नहीं होता आपको सिखाने का। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हमें वो प्रेशर लेना है कि हम 100% जॉब गारंटी देंगे। हम लोग 100% आपको कह रहे हैं कि यस, आप आइए कोर्स कीजिए, और आपको अगर जॉब नहीं मिलता यू विल गेट फुल रिफंड, और या फिर आपको बाद में पे करना है। सो द एजेंडा वॉज कि ये जो टीयर टू सिटीज के अंदर लोग हैं जिन्हें एक्चुअली आइडिया नहीं है बैंगलोर में या सिलिकॉन वैली में क्या चल रहा है, उन लोगों को वहां से कनेक्ट करना है। और कुछ जो वो करते हैं ना, मेड इन इंडिया शार्क टैंक में लोग आते हैं, वो वाला इंडिया एक्चुअली बिल्ड करना है टेक्नोलॉजी स्पेस में, जहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो रहा है। आपको पता है कोई भी क्लाउड सिस्टम वर्ल्ड के अंदर, मतलब जो सबसे बड़े क्लाउड सिस्टम है वो अमेजॉन है या गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, इंडिया में क्यों नहीं है एक भी? बिकॉज वी डोंट हैव द राइट स्किल सेट, हमारे पास जनता ही नहीं है जो उस चीज पे काम कर सके लॉन्ग टर्म में। सो हमें वही चीज बनाना है। So this is what Alphoro is. That is what mission is. Kamal, Rahil, there is one very interesting question. I think you should answer that. इसमें योगी राठौर ने लिखा है, ऑनलाइन सीखने में सर्टिफिकेट और डिग्री नहीं मिलती है। I'm very happy. मैंने भी क्वेश्चन देखा था और ये क्वेश्चन मैं भी आंसर करना चाहता हूँ। ठीक है, सो सही बात है योगी कि ऑनलाइन कोर्सेज में सर्टिफिकेट तो मिलता है, डिग्री नहीं मिलती, ये बात सही है। पर तुम ये बताओ कि क्या हम लोग को कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन क्रॉस करना है? तुम सब लोग कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी डिग्रीज हैं, लेकिन जब तुम गूगल या फेसबुक के इंटरव्यू के लिए जाओगे या फिर किसी बड़ी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाओगे, तुम्हारी डिग्री तो चेक करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेक करेंगे? वो लोग स्किल्स। कई लोग ऐसा माइंडसेट होता है कि यार मैंने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया तो मैं सिविल इंजीनियरिंग ही कर सकता हूँ। पर आजकल जमाना बहुत बदल चुका है, आजकल दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि लोगों को उसके हिसाब से चेंज होना पड़ रहा है, और मार्केट में जिस जॉब की डिमांड है उस जॉब के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट यह है कि यह करना काफी आसान है क्योंकि आजकल इतने रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। एक जैसे हम लोगों ने भी हमारा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया Alphoro, हमने इसीलिए बिल्ड किया कि आप 3 to 6 months के अंदर अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो आप कोडिंग सीख के डेवलपर बन सकते हो। अगर आपको पहले से आती है तो आप काफी हाई लेवल पे बन सकते हो, आपको पहले से नहीं आती तो आप फ्रेशर लेवल पे बन सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कंपनीज आजकल डिग्रीज नहीं देखती हैं। अभी एक महीने पहले न्यूज आई थी कि TCS ने पहले वो सिर्फ बीटेक को हायर करती थी, फिर BCA को हायर करना शुरू कर दिया था, फिर 2 हफ्ते पहले न्यूज आई थी कि उन्होंने BCA छोड़ो BSc को भी हायर कर रहे हैं, BA को भी हायर कर रहे हैं। दे डोंट केयर व्हाट डिग्री यू हैव एज लॉन्ग एज यू हैव द राइट स्किल। इस बारे में हर्ष में भी आपको और बता सकते हैं क्योंकि हर्ष प्लेसमेंट्स देखते हैं, हर्ष कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी कंपनी। थैंक्स राहिल, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बाय द वे माय नेम इज हर्ष एंड आई लुक आफ्टर प्लेसमेंट्स। सो अभी जितनी भी कंपनीज से इंटरेक्शन हो रहा है वो कह रहे हैं राइट स्किल सेट वाला कैंडिडेट हमको चाहिए। डिग्री इज टोटली इररिस्पेक्टिव राइट नाउ, अगर आप BA, BCom, BSc, BCA, MCA इंजीनियर, सो एनी डिग्री, बट स्किल सेट अगर राइट है, यू हैव द नॉलेज, वी विल रिक्रूट यू, सो डोंट वरी अबाउट दिस। आई थिंक योगी लेफ्ट द मीटिंग। कमल, आई थिंक यू विल लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्यूचर? फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात करें, जैसे राहिल ने एड भी सामने लिख रखा है, फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर 200,000 प्लस जॉब्स लिखा हुआ है। So actually, the real number is by 2024, there will be more than 1.5 million jobs in front-end, back-end and full-stack development. 1.5 million का मतलब हो गया है 15 लाख बच्चों को केवल इस सेक्टर में जॉब्स हैं, वेब डेवलपमेंट, जो कि 100% है हर साल। इस बार TCS, Cognizant, इन लोगों ने मिलके, जो हर्ष आपने शेयर किया था आर्टिकल, ऑलमोस्ट 3 to 4 lakh स्टूडेंट्स हायर किए हैं 5-6 कंपनीज ने। सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर फ्रंट एंड बैक एंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी, मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरा एक फ्रेंड है प्रणव, उसने 2017 में जॉब स्टार्ट किया, उसका पैकेज था उस टाइम पे 7 lakh rupees। 2022 उसका भी पैकेज है ऑलमोस्ट 74 lakh rupees। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या डिमांड है। ठीक है, आई थिंक इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि फुल स्टैक का स्कोप क्या है। There's a lot of demand out there, but हाँ, right tech stack करना जरूरी है। ये मत कर लेना फुल स्टैक डेवलपमेंट में PHP सीख रहे हो,
पीएचपी 10 साल पुराना हो चुका है, पीएचपी वाला जमाना गया, हमें आगे की लैंग्वेजेस पे काम करना है जो अभी रीसेंट है, जैसे कि नोड हो गया, ऑलमोस्ट 70% वेबसाइट्स नोड पे बन रही है, तो गो विद नोड जेएस, राइट? राहिल कुछ ऐड करना चाहोगे तुम? कवर हो गया. एंड एक रूल जो रिक्रूटर्स शेयर करते हैं वो ये है कि इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम आईआईटी, जैसे हमारा जो फ्रेंड है अंशु वो तो आईआईटी से है, तो उसका पैकेज 74 लाख से, इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम आईआईटी, तुम्हारा जितना साल का एक्सपीरियंस है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी उतनी सैलरी है. 10 साल का एक्सपीरियंस मतलब 50 लाख. इवन इफ यू आर लाइक अ रेगुलर डेवलपर, मतलब कोई तुम बहुत अमेजिंग डेवलपर नहीं भी हो, एवरेज डेवलपर भी हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने लाख तुम्हारी साल की सैलरी है. यस. एंड प्रियंका ने पूछा है कि इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रंट एंड डेवलपमेंट? यस, डेफिनेटली. मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, दे स्टार्टेड दिस जर्नी विद फ्रंट एंड डेवलपमेंट ओनली. चाहे मैं प्रणव की बात कर रहा हूँ, देयर इज वन गाय अंकुर, वो तो आज भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता है, ही इज इन उबर और उसका पैकेज है 1.5 CR एक्चुअली, एंड ही इज नॉट फ्रॉम एनी आईआईटी, वो आईआईटी से नहीं है. अंकुर जो है 2012 से उसने जॉब स्टार्ट किया था, अभी उसका उबर में पैकेज 1.5 करोड़ का है, एंड ही ओनली डज फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वो फुल स्टैक भी नहीं करता है. तो यू कैन गो इन टू फ्रंट एंड एज वेल. योर आइडिया इज सेम एज मसाई और न्यूटन स्कूल. आप ऐसा कह सकते हो गौरव कि हमारा आइडिया न्यूटन स्कूल और मसाई जैसा सेम है, पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं इट्स मोर अबाउट इन योर रीजनल लैंग्वेजेस. हम लोग वो हाई एंड जनता को टारगेट नहीं कर रहे जिनके पास एक्चुअली कुछ ना कुछ है. इन लोगों का मैक्सिमम इनटेक उन्हीं बच्चों के लिए, और हमारा फोकस है हिंदी लैंग्वेज में, आप ही की लैंग्वेज में आपको सिखाना, केपेबल बनाना और आपका करियर स्टार्ट करवाना. मे बी आफ्टर दैट आप इन सब सर्विसेज के बारे में सोच सकते हैं. प्रतीक हमारे काफी अच्छे दोस्त हैं, हमारे कॉलेज के सीनियर ही हैं, मेरे घर के पास में ही रहते हैं प्रतीक शुक्ला. मैं चित्तौड़गढ़ से, वो भीलवाड़ा से हैं. हम लोगों ने काफी काम किया उनके साथ, इनफैक्ट हमारे हॉस्टल के हैं प्रतीक भी, जो मसाई के फाउंडर हैं, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं. पर हाँ, उनका जैसा हमने बताया कि अगर ऑलरेडी कोई डेवलपर है, अब उसको अपस्किल करना उनके लिए है. हमारा ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम फ्रेशर हो, तो तुम्हें फर्स्ट जॉब के लिए हम लोग प्रिपेयर कराते हैं. तो इसलिए हम लोग बहुत बेसिक से चीजें सिखाते हैं और हिंदी में सिखाते हैं ताकि सबको इजीली समझ में आ सके. और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. राहिल, कमल, एक हिमांशु बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मशीन लर्निंग एंड एआई रिलेटेड है क्या? एआई एक बहुत बड़ा फील्ड है. एआई का एक मेथड है मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग एक मेथड है कि जिसके थ्रू आप एआई डेवलप कर सकते हो. ऐसे ही दूसरे मेथड्स होते हैं, रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में अगर आप सुना हो तो. सुना है आपने रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में? फिर काफी सारे इवोल्यूशन मेथड्स है, कुछ मेथड. तो ये एक मेथड है एआई अचीव करने के लिए. मशीन लर्निंग एक मेथड है जो कि मेजॉरिटी, अभी का जो मेजॉरिटी पार्ट है एआई का, वो मशीन लर्निंग के थ्रू ही होता है, ऑलमोस्ट 60-70%. नाउ वी आर गेटिंग इनटू डीप लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग, इन सब में जा रहे हैं. ठीक है, आई थिंक किसी ने पूछा था ब्लॉकचेन का रोड मैप, और एक ने पूछा है राहिल डीएसए एल्गोरिथम, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट? और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन निकल के आ रहा है एथिकल हैकिंग पे. सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का भी बता दो राहिल एक बार डिटेल में, जो बैकएंड आर्किटेक्चर होता है उससे आई थिंक क्लियर हो जाएगा डीएसए एंड वो सब. श्योर. तो जब अपन को बैकएंड में कोई सिस्टम बनाना होता है तो देखो, एक रिक्वेस्ट है एक सर्वर के पास. अब सर्वर में अगर तुम्हारा कोई छोटा सा सिस्टम है तो तुम एक ही सर्वर में हर चीज करते हो. जैसे तुम्हारा डेटाबेस भी सेम सर्वर ही हैंडल कर रहा है, तुम्हारे इनकमिंग रिक्वेस्ट भी तुम ही प्रोसेस कर रहे हो, और भी जो भी तुम्हारा काम हो रहा है सब एक ही जगह होता है. लेकिन एज यू गेट बिगर या फिर जब तुम्हारा स्केल बड़ा होता है, तो फिर तुम्हें मल्टीपल चीजों को अलग अलग स्टैक्स में करना पड़ता है और माइक्रो सर्विसेज बिल्ड करनी पड़ सकती है. पर क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, मैं एक बार ये देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बारे में. ओ तो हाँ, जब तुम थोड़े सीनियर होते हो, जब तुम्हें समझ में आता है कि अच्छा कोई भी चीज बिल्ड कैसे करते हैं, तो फिर तुम बिल्डिंग से लेकर प्लानिंग के स्टेज पे जाते हो. जब तुम ये देखते हो कि अच्छा ठीक है, मुझे किस तरह अपने सिस्टम्स बिल्ड करने हैं, तो जैसे हमारे जो इंस्ट्रक्टर है तरुण, जो कि पेटीएम में है, वो आजकल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का काम करते हैं. वो इस बारे में भी और थोड़ा बता सकते हैं. बट जैसा उनका काम रहता है वो ये है कि एक छोटी सी आपकी वेबसाइट है तो एक सर्वर पर रन हो जाएगी. लेकिन जब आप पेटीएम में काम करते हो तो आपके एक सर्विस के लिए 20 सर्वर लगते हैं. अगर उनका सिर्फ एक पेमेंट वाला जो सर्विस है उसके लिए 20 सर्वर लगेंगे, उनका ओटीपी वाली सर्विस के लिए भी 5 सर्वर लगे होंगे. तो एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट ये डिजाइन करता है कि हमें किस तरह से कोड को ब्रेक डाउन करना है, किस तरह से सिस्टम्स बिल्ड करने हैं, जिससे कि वो स्केल करके रिडंडेंसीज रहे और एफिशिएंसी रहे. तो ये सब चीजें यू डोंट नीड टू वरी अबाउट राइट नाउ. एज यू गेट मोर एडवांस्ड इन योर करियर, देन यू कैन थिंक अबाउट बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट एज वेल. और कुछ क्वेश्चन आए हैं, एक बार ये नेक्स्ट स्लाइड कर दोगे?
ताकि बच्चे देख भी पाए ई सर्टिफिकेशन के लिए। हाँ गाइस, क्वेश्चन लेने से पहले एक बार ये बता देते हैं, जो ई सर्टिफिकेट है उसके लिए यू जस्ट हैव टू साइन अप बिफोर 4 PM टुडे और आपको एक ईमेल आ जाएगा ई सर्टिफिकेट का फॉर दिस सेशन। ओके, L40.in भी कर सकते हो, विकास L40.in भी कर सकते हो, मैं लिख देता हूँ। एंड प्रियंका, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। दो क्वेश्चन है, आई थिंक राहिल एंड कमल यू विल बी मोर कीन टू आंसर दिस क्वेश्चन। देयर आर टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हिच आई कैन सी। सर, व्हाट इज द मोटो बिहाइंड L40, वन, एंड सेकंड, व्हाट आर द फीस? ओके यार, मोटो जैसा मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ठीक है, जिनमें से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। उस अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत मेजॉरिटी पार्ट है स्किल सेट्स का नहीं होना। अगर उस स्किल सेट्स को हम प्रोवाइड कर सके इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ जनता को, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट फैक्टर है, मे बी अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मान लो 100 लोग अभी अनएम्प्लॉयड है तो मे बी वो 10 पर आ जाएंगे। इतना बड़ा डिफरेंस आप ला सकते हो। सो मोटो बहुत सिंपल सा है कि हमारी कंट्री को हमें ग्रो करवाना है और उसका एक ही तरीका है, नीचे वाले लेवल से हमें उनको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर ऊपर वाले लोग सब कुछ नहीं कर सकते, तो टीयर 2 सिटीज से टीयर 3 सिटीज से हमें लोगों को डेवलपर बनाना है, बेस्ट इन क्लास डेवलपर्स बनाना है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में क्यों नहीं हो। सो दैट इज आवर टारगेट। अगर वो नॉन टेक जॉब्स हो सकती है, अगर नॉन टेक में लोगों को जाना है, देर आर लाइक, मैं बस एक नंबर दे देता हूँ, सेल्स की बात करें, देर आर 7 million प्लस जॉब, 70 लाख से ज्यादा जॉब्स है अभी। सो हमारा फोकस केवल बहुत सिंपल सा है, मोटो सिंपल सा है कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से बच्चों को अपलिफ्ट करना है, स्किल सेट प्रोवाइड करके, एंड वी आर टारगेटिंग कि वो बड़ी कंपनीज में काम कर सके, वो अच्छी जगह पे जाके काम कर सके और अपना एक वैल्यू ऐड कर सके। ठीक है राहिल, आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक यही है, जैसा मैंने स्टार्ट में भी कहा था, क्योंकि हम लोग खुद इस बैकग्राउंड से आए हैं, हम लोग बहुत फॉर्चुनेट थे कि हम लोग IIT पहुंच गए, तो हमें बहुत सारे एक्सपोजर मिल गया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल गई, लेकिन हमें पता है कि क्या चैलेंजेस हैं, और हम लोग को ये पता है कि किसी के सपने छोटे नहीं होते, किसी का एम्बिशन कम नहीं होता है, और किसी की स्किल्स कम नहीं होती, किसी की इंटेलिजेंस कम नहीं होती है, बस उनको एक सही रास्ता मिल जाए तो लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। राहिल, कमल, वन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ परसेंटेज L40 टेक फ्रॉम योर सैलरी इफ यू गेट द प्लेसमेंट फ्रॉम द कंपनी, वुड यू लाइक टू आंसर? यार हाँ, आपने पूछा था मसाई और न्यूटन से हमें डिफरेंस क्या है, एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यार, अगर आपको ज्यादा पैकेज लग रहा है तो वो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग लग रहा है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है कि आप ज्यादा कमा रहे हो तो हमें ज्यादा पैसा दो। तो हम लोगों ने एक फिक्स फी किया हुआ है कि आपको इतना ही पैसा देना है, एंड दैट इज 50,000 अगर आप अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हो, सब कुछ वेबसाइट पे लिखा हुआ है, एंड देर आर 2 more फी स्ट्रक्चर जिसमें पे आफ्टर प्लेसमेंट का पार्ट है, लेकिन पे आफ्टर प्लेसमेंट में भी आपको फिक्स अमाउंट देना होता है, चाहे आप 20 लाख का पैकेज लो, चाहे 5 लाख का लो, चाहे 3 लाख का लो, जो हम मिनिमम करते हैं 4 लाख का लें, ये आपके ऊपर है, फीस हमारा फिक्स रहता है। तो पे आफ्टर प्लेसमेंट के 2 models होते हैं अलग अलग, जब आप कॉल करेंगे हम लोगों से, व्हेन यू विल गेट इन टच विद अस, हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे अलग अलग मॉडल्स, या कोई चाहता है अभी मॉडल एक्सप्लेन करे जाए? आई थिंक कमल यू कैन एक्सप्लेन, आई थिंक दैट मेक्स सेंस, मेनी स्टूडेंट्स आर क्यूरियस अबाउट। ओके, सो देयर आर 3 models इन आवर प्राइसिंग स्ट्रक्चर, और मैं फ्रंट एंड को एग्जाम्पल लेके सब बता रहा हूँ, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इसका फीस है, अगर आप अपफ्रंट पेमेंट करते हैं, आपने अगर पूरा पेमेंट एक साथ कर रहे हैं, तो देन द फीस 50,000 rupees। आप अगर प्लेस लेस से कि सब कुछ हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली कि आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, हम आपको पूरा पैसा रिफंड करेंगे। सेकेंड फी स्ट्रक्चर इज प्योर ISA। इन केस ऑफ प्योर ISA आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड डेवलपमेंट के लिए 15,000 rupees अपफ्रंट पे करने, उसके बाद आपके साथ एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने के बाद जब आपको जॉब मिल जाएगा उसके बाद आपको 50,000 पे करना है, वो भी EMIs में, वो भी 12 EMIs में पे करना है, समथिंग लाइक 4,200-4,300 rupees ऐसे कुछ आएगा। थर्ड पार्ट है हमारा ISA प्लस लोन। इस केस में क्या होता है, हम एक रजिस्ट्रेशन फी चार्ज करते हैं 5,000 rupees। आपके फादर हो गए या आपके कोई बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, वो को एप्लीकेंट बनते हैं, को एप्लीकेंट बनकर एक लोन प्रोसेस होता है, उस लोन को आपको पेमेंट 10th month से करना होता है, ठीक है, और हर महीने का जो EMI होगा 10th month के बाद वो 5,000 rupees होता है फॉर 12 months। ठीक है गाइज, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, लिख कर भी आपको भेज देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा।
एंड मीनवाइल जब कमल लिख रहा है तो और कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग आंसर कर सकते हैं. जैसे कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं पाइथन के बारे में, कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं पीएचपी के बारे में. जब आप साइन अप कर रहे हैं तो रेफरल कोड कुछ नहीं डालना है आपको, आप डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं, रेफरल कोड कुछ नहीं डालना है. ठीक है, पीएचपी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूज नहीं होता है, यूज होता है, लेकिन इट्स नॉट द टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर. कई पीएचपी डेवलपर्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि यार हमें जावास्क्रिप्ट सीखना है, हमें रिएक्ट सीखना है, हमें Node.js सीखना है, क्योंकि ये आजकल हॉट डिमांड में है. सिमिलरली कुछ लोग पूछ रहे हैं पाइथन के बारे में, तो पाइथन इज वेरी गुड व्हेन यू आर हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट्स. तो पाइथन इज अ वेरी वर्सेटाइल, वेरी पावरफुल लैंग्वेज, तो पाइथन भी आप उसके लिए यूज कर सकते हो. वंस अगेन लाइक आई सेड कि जो अभी मार्केट में डेवलपर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है जिन टेक्नोलॉजीज में, उन पे हम लोगों ने फोकस करके उन पे कोर्सेज बनाए. फ्रंट एंड में HTML, CSS, JavaScript तो आपको आना ही चाहिए, और साथ साथ React ये हम लोग सिखाते हैं, प्लस Bootstrap भी सिखाते हैं ताकि आप बहुत जल्दी बहुत सारी वेबसाइट्स बना सकें. और बैकेंड में हम लोग जो टेक्नोलॉजी सिखाते हैं वो है Node.js और उसका एक फ्रेमवर्क है Express.js जो आजकल मार्केट में बहुत डिमांड में है. और डेटाबेस के लिए हम लोग आपको रिलेशनल डेटाबेसेस यानी MySQL भी सिखाते हैं और NoSQL वाले डेटाबेसेस यानी MongoDB भी सिखाते हैं. ओके, विजय हैज रेज्ड हिज हैंड. विजय बोलो क्या पूछना है. MySQL डेटाबेस के लिए हम लोग सिखाते हैं, तो हमारा जो बैकएंड वाला कोर्स है उसमें हम लोग कवर करते हैं कैसे MySQL यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए, पर वो भी वंस अगेन थोड़ा पुराना हो चुका है. आजकल जो चल रहा है वो है NoSQL, यानी कि रिलेशनल डेटाबेसेस नहीं होते, अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस होते हैं. मतलब अनस्ट्रक्चर्ड बोलना ठीक नहीं है, रादर लूजली स्ट्रक्चर्ड डेटाबेसेस. तो वो भी हम लोग कवर करते हैं MongoDB में. कुछ कुछ जगह पे जो थोड़ा पुरानी टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले लोग हैं MySQL पे काम करते हैं, इसलिए हम लोग MySQL भी सिखाते हैं. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट एथिकल हैकिंग. ओके, एथिकल हैकिंग इज बहुत ज्यादा हाइप है उसका, लेकिन इट्स नॉट समथिंग जो कि बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम है. इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द पाई. अगर आप एक आम डेवलपर से मिलो तो हैकर्स बहुत कम होंगे, एथिकल हैकर्स या नॉन एथिकल हैकर्स बहुत छोटा पोर्शन है उसका. जो मेन स्ट्रीम है दैट इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ वेब. एथिकल हैकिंग मतलब इसका न्यूज आर्टिकल्स में बहुत चलता है, बट समहाउ एथिकल हैकिंग इज नॉट अ बिग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का बहुत छोटा सा हिस्सा है एथिकल हैकिंग. मतलब एथिकल हैकर्स का सबसे ज्यादा यूज साइबर सिक्योरिटी में ही होता है, या एथिकल हैकर्स को ये देखना होता है कि किस तरीके से आपका सिस्टम ब्रेक किया जा सकता है. सो दैट इज वेयर दे फिट इन. एक्चुअली योगी पूछ रहा है कि विच लैंग्वेज इज स्टिल वर्थ लर्निंग. तो जैसे मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट इज द हॉटेस्ट लैंग्वेज राइट नाउ. जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज. तो पहले फ्रंट एंड के लिए आई थी और वो इतनी पावरफुल थी कि लोगों ने बैक एंड पे भी उसको अडैप्ट कर लिया, Node.js बना दिया. तो जावास्क्रिप्ट अभी बहुत हॉट चल रही है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीएचपी बेकार है, पीएचपी इज ऑल्सो गुड, लेकिन जो अभी मार्केट में जिसका सबसे बड़ा डिमांड है वो है जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स जैसे एंगुलर, रिएक्ट. रिएक्ट सबसे बड़ा है तो रिएक्ट, और बैक एंड पे वही Node.js. Node.js इज ऑल्सो जावास्क्रिप्ट जस्ट फॉर बैक एंड, जिसके लास्ट में जेएस आता है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड. तो Express.js इज ऑल्सो फ्रेमवर्क Node.js. दिखती कैसे है उसके लिए XML यूज होता है. सो XML इज वेरी यूजफुल बट नॉट वेरी पावरफुल. XML आपको सीखना होगा, मतलब XML से आप अपना कोडिंग करियर नहीं बना सकते हो. XML इज मे बी वन ऑफ द थिंग्स दैट यू विल हैव टू लर्न एज अ डेवलपर. जब आप मे बी एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपको XML सीखना होगा, बट इट्स अ स्मॉल, इट्स अ इजी थिंग, फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट उसमें कुछ भी नहीं है. ओके, सो दैट्स आई गेस इट. इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस. ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के बारे में है, तो ब्लॉकचेन को लेकर अभी मार्केट में बहुत हाइप है. मेरा व्यू उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है. वो ये है कि ब्लॉकचेन इज स्टिल अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजी और उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बट आई थिंक उसकी वैल्यू अभी अनडेमॉन्स्ट्रेटेड है. पर हो सकता है कि मैं अर्ली अडॉप्टर्स में से नहीं हूं, मे बी कमल इज मोर बुलिश अबाउट इट, आई एम अ लिटिल बिट मोर बेयरिश अबाउट ब्लॉकचेन डेवलपमेंट. बट अगर आपको लगता है कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इज द फ्यूचर, तो द प्लेस फॉर यू टू गो इज लर्न अबाउट बैकएंड डेवलपमेंट. क्योंकि बैकएंड डेवलपमेंट में आप सिस्टम्स बिल्ड करना सीखोगे, आप एल्गोरिदम्स सीखोगे, तो आपके लिए हर चीज डेवलप करना थोड़ा आसान होगा. इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन वी विल एंड द सेशन और वी कैन क्रिएट सम ब्रेकआउट रूम्स एज वेल. गाइस और भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी तो हम लोग यहाँ पर ही है. बट हाँ, एक सिंपल एडवाइस रहेगा, करियर टेक सेक्टर में बनाओ अगर टेक्नोलॉजी से निकले हो तो. किसी और सेक्टर में मत जाना, कोई पैसा नहीं है, पैसा टेक्नोलॉजी में ही है. ओके, रोड मैप ऑफ ML. ओके यार, अगर मशीन लर्निंग सीखना है यार, क्या था मैं वो बता सकता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मशीन लर्निंग सीखने में, बेसिक स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, बेसिक लीनियर एलजेब्रा आनी चाहिए आपको. उसके बाद आप मैथड समझ पाओगे, जो मशीन लर्निंग में मैथड्स यूज होते हैं. तो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कैलकुलस लिख लो, बेसिक लीनियर एलजेब्रा, बेसिक स्टैटिस्टिक्स,
ये तीन चीजें सीखने के बाद आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क टेंसर फ्लो सीख सकते हो, ठीक है, पर उसका बेस भी पाइथन ही है, तो आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप मशीन लर्निंग सीखना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मेथड्स होते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैक्सिमम चीज़ें बनी हुई है, पर अगर आपको कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है चीज़ें, तो आपको डिटेल में मैथड सीखने पड़ेंगे, उसके लिए मैथ्स आनी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, या फिर और कुछ डिटेल पूछना है? कमल, कुछ और क्वेश्चंस है जिनके आंसर हम लोग दे सकते हैं? जैसे कृष्ण का, कृष्ण चौधरी का क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम अ वेब डिजाइनर। तो बड़ा सिंपल है, हमारा फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करके यू कैन बिकम अ वेब डेवलपर। दैट्स वन वे टू डू इट। इफ यू वांट टू डू इट अदरवाइज आल्सो, तो जो चीजें तुम्हें सीखने की जरूरत है वो है HTML, CSS और JavaScript। ये तीनों चीजें जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। फिर किसी का है कि यू आर चार्जिंग अ लॉट फॉर दीज कोर्सेज, दैट कैन बी लर्नड फॉर फ्री ऑन YouTube। बिल्कुल, इफ यू थिंक यू कैन लर्न ऑन YouTube, यू शुड गो ऑन YouTube एंड लर्न फॉर फ्री। मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि तुम YouTube का कोई भी सीरीज देखोगे, उसके पहला जो वीडियो होगा, 40 वीडियो के लेक्चर होगा, पहले वीडियो पे होंगे 1,00,000 व्यूज, आखिरी वीडियो पे 40 व्यूज भी नहीं होंगे, क्योंकि एक तो कोई भी बना देता है, उसके कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। दूसरी चीज ये कि उसमें असाइनमेंट्स नहीं है, बिना किए तुम कुछ सीख नहीं सकते। तीसरी चीज ये कि जब तुम्हें डाउट आएगा तो तुम क्या करोगे। हम लोग का ऐसा सिस्टम है कि वीकली तुम्हारे कॉल्स होते हैं, तुम्हारे पास एक हॉटलाइन नंबर अवेलेबल है, जब तुम चाहो तब कॉल करके पूछ सकते हो, और ये सब तुम्हारे डाउट्स एक्सपर्ट लोग आंसर करते हैं, तो तुम्हारा डाउट एक्चुअली रिजॉल्व होगा। अगर तुम्हें लगता है कि चार्ज बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली गो ऑन YouTube एंड लर्न, आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। उसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए, अगर तुम्हें वो मोटिवेशन है तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड लर्न ऑन YouTube। मतलब वी रियली विश कि ऐसा हो पाए कि लोग YouTube से सीख पाए, वी रियली विश दैट, ठीक है, क्यों? क्योंकि उससे बहुत इंप्रूवमेंट डायरेक्टली आ जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता। अगर ऐसा होता तो सीख चुके होते, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है अभी तक आप सीख चुके होते, आप कहते नहीं इस चीज, सो इस चीज को सोचना आप। या और दूसरी चीज ये कि हम लोग इतना कॉन्फिडेंस है कि हम लोग सिखा सकते हैं, कि हम लोग प्लेसमेंट गारंटी देते हैं। इफ यू डोंट गेट प्लेस, तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा, जो भी हमने टाइम स्पेंड किया, जितना भी उसका फीस लिया, सब हम लोग वापस कर देंगे। इसलिए हम लोग एक जो फीस है उसका, जो हमारा जो कोर्स है उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, सही लोग रखने के लिए, सही TAs रखने के लिए, TA मतलब टीचिंग असिस्टेंट रखने के लिए, ये फीस लेते हैं। और हमें लगता है कि काफी कम है, बट ठीक है, बट दैट्स फॉर यू टू डिसाइड कि ज्यादा है या कम है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड। कमल, विजय कुमार राठौड़ बड़े देर से परेशान हो रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। सर, जावा के बारे में कुछ बताइए, जावा डेवलपर एंड ही इज कंटीन्यूअसली रेजिंग दैट, तो एटलीस्ट जावा फर्स्ट इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज वंस अगेन। तो ऐसा नहीं कि लोग जावा यूज नहीं करते हैं, बट इट इज नॉट द फ्लेवर ऑफ द ईयर राइट नाउ। अभी आजकल जावा, ऐसा नहीं कि यूज नहीं हो रहा है, यूज हो रहा है, लेकिन जावा इज नॉट एन ओल्ड टेक्नोलॉजी। जावा को आए कितना, 20 साल हो गए कमल? इतना तो हो गया होगा यार, और ये सब सब जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज है उन्होंने जावा पे ही ये सिस्टम्स को, और पहले अब इट्स मोर अबाउट नए तरह के फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं यार, हर चीज में नए तरह के फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं। गूगल ने कुछ कुछ तो नहीं किया अभी रिसेंटली। एक चीज मैं क्लियर कर दूं जिन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो, जावा और जावास्क्रिप्ट बहुत अलग अलग चीजें हैं, उनमें नाम के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट इज वेरी डिफरेंट, जावा इज वेरी डिफरेंट, नॉट द सेम थिंग। किसी ने पूछा है कि अडोब ड्रीमवीवर गुड सॉफ्टवेयर है वेब पेज डिजाइन के लिए? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अडोबे इलस्ट्रेटर इज मच बेटर, और फिग्मा भी बहुत अच्छा है, फिग्मा पे भी कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू पे तो अडोबे इलस्ट्रेटर इज गुड, वरना तो तुम कर सकते हो, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट दैट्स एन ऑप्शन। अदरवाइज फिग्मा इज फ्री, फिग्मा पे तुम बहुत चीजें सीख सकते हो। ओके, नेटवर्किंग फील्ड के बारे में लोग पूछ रहे हैं, नेटवर्किंग फील्ड, हाँ, तो बैकएंड डेवलपर से इफ यू डू बैकएंड डेवलपमेंट तो देन यू कैन लर्न मोर अबाउट नेटवर्किंग। नमन बोल रहा है कि स्टैक ओवरफ्लो पे जा सकते हो, डेफिनेटली यू कैन गो ऑन स्टैक ओवरफ्लो, एंड हम लोग भी स्टैक ओवरफ्लो पे, हमें भी डाउट आता था, हम लोग भी स्टैक ओवरफ्लो पे जाके ही सीखते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर्स? तो लेक्चर्स ऐसा है कि 2 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक के होते हैं, बट एवरेज लेक्चर 5 से 10 मिनट का होता है, ताकि बाइट साइज पीसेज में हम तुम्हें चीजों को सिखा सकें। How many hours per day depends on you, but हम expect करते हैं कि तुम दिन में कम से कम 3 से 5 घंटा पढ़ाई करो, ताकि तुम एक सही पीरियड में कोर्स खत्म कर सको। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई सीखना रेगुलरली रिलीजियसली पढ़ाई करता है फोकस करके, तो लगभग 3 महीने में कोर्स खत्म कर सकता है। ओके नमन, यू आर लर्निंग राइट नाउ, वेरी गुड यार, सेंटी होने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है, सीखो, वी विश यू ऑल द बेस्ट। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन सी हैश? विशेष भारद्वाज ने क्वेश्चन पूछा है, सी हैश इज अ मीडियम लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में तुम कोडिंग करके चीजें इजीली बना सकते हो, जो मीडियम लेवल लैंग्वेज है उसमें तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है तुम इन कंट्रोल फील करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन यार ऐसी है कि बहुत सारी चीजें हायर लेवल लैंग्वेजेस ने ऑब्स्क्योर कर दी। ऑब्स्क्योर कर दिया मतलब तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग जब कोड लिखते थे, हम लोग कॉलेज में थे, तो बहुत चीजें सोचनी पड़ती थी, बट जावास्क्रिप्ट इज सच ए पावरफुल लैंग्वेज। मैंने पिछले 2 साल से जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना शुरू किया, और मैं तो बड़ा खुश हूँ यार कि चीजें बड़ा इजीली बहुत आसानी से हो जाती है, एंड दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ
developers will also tell you. Middle level language से higher level languages काफी better हैं काम जल्दी करने में. और scope भी नहीं है. C S का तो बिल्कुल scope मतलब नहीं है, scope नहीं है यार उसका तो. हाँ मतलब C hash से तुम्हें job मिल सकता है पर वो तुम्हें बाद में फिर training करके सिखाएंगे कि यार यार ये language अब तुम सीखो. हाँ ये इसका कोई use नहीं है. I know many people जिनको आता था कोई नहीं जा पाया उसमें. So scope नहीं है अब नहीं है. Yes, Pradeep, there is a lot of scope in web development. इसलिए हम लोग placement guarantee भी दे रहे हैं और super bike, BMW ये सब दे रहा है join करने के लिए. Reason being कि demand ही इतना ज़्यादा है. अभी तो बहुत demand है यार. अभी तो next 10 years बहुत demand है. 10 years के बाद I can't predict. तो 10 years तो बहुत demand है. ठीक है. तो अब मुझे लग रहा है काफी questions repeat हो रहे हैं. तो हम लोग session यहाँ खत्म कर सकते हैं. But हम लोग available हैं. हमारे LinkedIn profiles उस तरह की जॉब मिलना पर कर लो आप. हाँ मतलब अभी टेक में इतना डिमांड है कि हर चीज में जॉब्स है. गौरव पूछ रहे हैं एल4ओ का ऑफिस है क्या. जयपुर में ही हमारा ऑफिस है लेकिन हम लोग 100% ऑनलाइन है. सो ऐसा नहीं कि ऑफिस में आके तुम्हें कोई कुछ सिखाएगा. हमारे वीडियोस वगैरह भी स्टूडियो में शो करते हैं. तो और हमारी टीम भी देखने आ सकते हैं. तो इफ यू सर्च l4o.in ऑन गूगल मैप्स तो तुम्हें मिल जाएगा. l4o का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं लोग. l4o का फुल फॉर्म है लर्निंग 4.0. तो लर्निंग 3.0 था अब लर्निंग 4.0 है जहां पर हम लोग एक फ्लिप कर रहे हैं क्लासरूम को. पहले तुम लेक्चर्स देखो उसके बाद असाइनमेंट करो और वहां पर हम लोग अवेलेबल है तुम्हारे सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए. तो पहले तुम्हारा काम है लेक्चर्स देखना और उसके बाद फिर हम लोग तुम्हारे डाउट्स रिजॉल्व करेंगे. ठीक है. ओके एड्रेस अजय गूगल मैप्स पे सर्च करो l4o.in तुम्हें मिल जाएगा. ओके एंड ई सर्टिफिकेट के लिए गाइस साइन अप कर लेना. ओके गाइस बाय. नाइस टॉकिंग टू यू. जयंती मैम थैंक्स अ लॉट फॉर द सेशन. यस थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. सो बिफोर वी एंड आईड लाइक टू थैंक जयंती मैम. थैंक्स अ लॉट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद ऑल योर स्टूडेंट्स. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. Thank you.